हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयूर और इस सीरीज़ का सबसे पहला लेसन हम आज से शुरू करेंगे। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा जो सबसे पहली चीज़ है। डिटेल में जैसे जैसे आगे सीखते जाएंगे चीज़ें ऐड होती जाएंगी, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है और सबसे लास्ट तक जो आपको अच्छी करनी है वो है आपका साथ। तो आज का लेसन साथ से ही शुरू करेंगे। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप साथ कैसे लगाएँ। जिन लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है उनको मैं बता दूं कि जो हमारे सात स्वर हैं, जैसे सा रे ग म प ध नी, इनमें जो सा है वो हमारा, जैसा कि हम जानते हैं, पहला स्वर है। और उसके लिए कहा जाता है कि अगर आपका सा अच्छा है तो बाकी सब आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आपका सा अच्छा नहीं आया तो बाकी अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि सब कुछ उसी से डिसाइड होता है। तो हमारा सा जितना हम अच्छा कर सकते हैं हमें करना चाहिए। आपको मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा कि मैं जितने भी लेसन्स करूँगा वो सारे मेल स्केल में ही करूँगा, अपने स्केल में। तो फीमेल्स को, लेडीज़ को ये ध्यान रखना है कि उनका स्केल अलग होता है, उनका स्केल सेम नहीं होता है। अगर हमारा सी शार्प है, मीन्स पहला काला, तो उनका जी शार्प है फोर्थ ब्लैक, चौथा काला। तो वो अपने स्केल के हिसाब से ही प्रैक्टिस करें। जो चीज़ें बताऊंगा वो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन आपको स्केल अपना रखना है। बाकी सब कुछ आप सब कुछ सेम रखें, सब कुछ फॉलो करें, स्केल अपना रखें जो आपकी नेचुरल वॉइस के हिसाब से परफेक्ट हो। इसके लिए हारमोनियम या तानपुरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हारमोनियम में आपको अपने स्केल के हिसाब से अपने सा और प को प्रेस करके इसका अभ्यास करना है। और आपको कोई भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है या आपको समझ ना आए तो आप मुझे ज़रूर पूछें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो मैंने अभी ये डी स्केल का तानपुरा प्ले किया है, पहले काले में और दूसरे सफ़ेद में हाफ नोट का ही फ़र्क है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैं ये डी से कर रहा हूँ, मीन्स दूसरे सफ़ेद से। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बहुत सिंपल चीज़ बताना चाहूँगा कि अक्सर जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो हमें कई बार सीखने को नहीं मिलता है। तो इसके बारे में मैं सबसे बेसिक जानकारी एक आपको जो देना चाहता हूँ वो ये है कि जो हम सांस लेते हैं उसको छोड़ते हुए हम गाना गाएंगे। अगर हम गाना नहीं गा रहे हैं तब भी हम जो सांस ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी का जो प्रोसेस है, जो अपने आप जो सांस हम लेते हैं, तो उसको हम यूज करेंगे अपने गाने के लिए। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं हमें करना पड़ रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर रहे हैं। इसके साथ हम क्या करेंगे कि सांस लिया लेकिन जब छोड़ेंगे तो उसको हम गाने के लिए यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और जो सांस आप लेते हैं उसको छोड़ते हुए हुम बोलेंगे, हुम। फिर से सांस लेके फिर से सांस लेंगे और फिर से एक चीज आप याद रखें, आप अंदर से जितना शांत होंगे, अंदर जितना सुकून होगा, उतना ही आपका ये जो स्वर है जो सुनाई दे रहा है उसमें उतना ही सुकून होगा। तो आपको बिल्कुल अंदर सब सारी हलचल आपको शांत कर देनी है एकदम। आप बिल्कुल शांत होके इसे करें, फिर से सांस लें। अब आपको एक और चीज़ मैं इसके लिए बताऊंगा कि वैसे तो पेट में कोई सांस लेने का कोई ऑर्गन नहीं है, बट हम क्या करेंगे कि
ऐसे फील करेंगे जैसे कि हम पेट से, पेट में हमने सांस भरा और पेट से छोड़ा। तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखाऊं, आपने सांस लिया तो आपका पेट बाहर को आए और जब आप सांस छोड़ें तो भीतर को जाए आपके स्वर के साथ ही, जैसे एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें आपको कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बिल्कुल एफर्ट ना करें। सांस जब अपने आप आता है तो सांस लें, जब अपने आप छोड़ना होता है तब सांस छोड़ें, आपको कोई एफर्ट इसमें नहीं करनी है। एक बार फिर से सांस लेंगे, तो इस तरह आप इसे 15 मिनट 20 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद आप ओम बोलेंगे, हमारा सांस लेने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, सिर्फ हम साउंड चेंज कर रहे हैं। तो अपने साउंड को इसमें मैच करने की ही कोशिश आपको करनी है, साउंड फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए आपका, हिलना नहीं चाहिए। और ओम बोलते टाइम ओ थोड़ी देर करेंगे और म थोड़ा लंबा करेंगे, ओ ओ अंदर आपको सेम वही फीलिंग रखनी है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अपने आप सांस लेने दें, जब सांस को छोड़ना है तब उसके साथ आप बहुत इजी उसको साउंड को निकलने दें, आपको कोशिश नहीं करनी है उसके लिए, वो अपने आप होगा। पेट का जैसे मैंने आपको बताया कि जब सांस लें तो पेट बाहर को आए और जब सांस छोड़ें तो पेट अंदर को जाए, ऐसा आपको करना भी है, फील भी करना है, मन से भी सोचना है। तो ये भी आप 10-15 मिनट करें, उसके बाद आप तो इस तरह सा बोलें। और ये ध्यान रखें कि आपका मुंह ठीक से खुलना चाहिए, आपने जैसे मेरा देखा मिनिमम उतना खुलना चाहिए आपका मुंह, तो उससे आपका ये सारा जो है पोर्शन फ्री रहेगा और आपका साउंड पेट से सीधा कंट्रोल होगा, यही हमें करना है। अगर हम गले से गाते हैं या गले को यूज करते हैं या गले से कंट्रोल करते हैं तो वो नेचुरल नहीं रहता है, साउंड सिंगिंग हमारी नेचुरल नहीं रहती है और थोड़ी देर गाने के बाद हमारा गला दुखने लगता है।
तो अगर आपके गले पे आपको लग रहा है कि जोर पड़ रहा है, तो दैट मीन्स कि आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको फिर अपना फोकस पेट की तरफ ले जाना है और इसी तरह आप करें। जो साउंड हम क्रिएट कर रहे हैं उसको अगर आप फोर्स करके करेंगे या उसमें कोई एफर्ट करेंगे तो भी आपका साउंड नेचुरल नहीं रहेगा, जो कि गलत है। तो आप अपने आप उसे होने दें, अभी हम सिर्फ सा लगा रहे हैं, अभी कुछ और नहीं सोचना है। इस तरह आप सा लगाएं। तो जो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई हैं, इनको आप टोटल मिला के आधा घंटा अभी शुरू में कर सकते हैं। उसके बाद हम चीज़ें और ऐड करेंगे तो वो टाइम भी आपका इंक्रीज होगा। तो फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करा रहा हूँ। सबसे पहले हुम, उसके बाद उसके बाद सा। तो ये आपको करना है, और तीनों ही चीज़ों को करने में आपको अपने पेट की तरफ फोकस रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सांस लेना है, पेट बाहर आएगा, सांस लेंगे तो पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, और जब सांस छोड़ेंगे उसके साथ गाते हुए पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं आपको करनी है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप भी होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। जब भी आप कुछ एफर्ट करेंगे, जब भी आप कुछ कोशिश करेंगे, तो वो साउंड आपका नेचुरल नहीं रहेगा। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की शुरुआत यहीं से होती है, तो आप इसे पूरी सच्चाई से करें। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम आगे की चीज़ करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड।